तलाक से भी ज्यादा भयानक है ये इस्लामी प्रथाएं। तीन तलाक से तो हिंदुस्तान की मुस्लिम महिलाओं को आज़ादी मिल गई, पर उन इस्लामी प्रथाओं से तब मिलेगी जिसमें उनकी अस्मत को बार बार तार तार कर दिया जाता है। मुस्लिम समाज की यह प्रथाएं तीन तलाक कानून से भी ज्यादा भयानक हैं। चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी है सलीम और सलमा की। सलीम और सलमा मियां बीवी हैं। कुछ सालों बाद बच्चा न होने के कारण सलीम ने सलमा को तलाक दिया। इसके बाद जब सलमा ने कहा कि मैं कहाँ जाऊंगी, तो सलीम उससे दोबारा निकाह करने के लिए तैयार हो गया, मगर इसके लिए सलमा को अब हलाला करना होगा। हलाला यानी पति से दोबारा निकाह करने से पहले किसी और मर्द के साथ निकाह करना होगा। बीवी के सारे फर्ज निभाने होंगे, हम बिस्तर होना होगा, फिर उसके तलाक 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 बोलने का इंतजार करना होगा। इसके बाद कहीं जाकर वो अपने पहले पति के साथ दोबारा निकाह कर पाएगी। सलमा ने हलाला किया जिसमें उसकी शादी उसके ही ससुर के साथ करा दी गई। ससुर ने 10 दिन तक हलाला के नाम पर अपनी बहू का दिन में कई कई बार बलात्कार किया और फिर उसे तलाक दे दिया। तलाक के बाद सलीम ने सलमा से निकाह कर लिया, मगर इसके बाद भी ससुर द्वारा बलात्कार और पति द्वारा मारपीट सलमा के साथ 6 सालों तक चलती रही। 6 साल के बाद फिर से सलीम ने सलमा को तलाक दे दिया और इस बार उससे निकाह करने के लिए अपने भाई के साथ हलाला करने को कहा। जब सलमा नहीं मानी तो उसे 3 दिन तक कमरे में भूखे प्यासे बंद कर दिया, लेकिन इस बार सलमा दृढ़ थी। वो हलाला के लिए नहीं मानी और सीधे पुलिस के पास पहुंच गई, अपने साथ हुई ज्यादतियों की दास्तां बताने, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले को बलात्कार का केस बनाते हुए शिकायत दर्ज ली। यहाँ पात्रों के नाम तो काल्पनिक हैं, मगर कहानी वास्तविक। सलमा के साथ हुई यह ज्यादतियाँ तो पुलिस तक पहुँच गई, मगर ऐसी ही ना जाने कितनी सलमा है जिनकी अस्मत को हलाला के नाम पर हलाल कर दिया जाता है। मुस्लिम समाज में प्रचलित इस प्रथा में अक्सर मौलवियों के साथ महिला का निकाह कराया जाता है। इसके लिए मौलवी 20,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक ऐंठते हैं। फिर जब उनका मन करता है तब उस औरत को तलाक देते हैं। कई बार तो हलाला करवाने के बाद भी पुराना पति अपनी बीवी से दोबारा निकाह करने से इनकार कर देता है। हलाला के नाम पर इस्लामी औरतों की इज्जत तार तार होती रहती है। सोचिए कैसी होगी वो औरत जो हर रोज इस डर में जीती है कि कहीं उसका शौहर उसे तलाक 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 बोलकर छोड़ ना दे और फिर उसी पति के साथ उसे दोबारा निकाह करने के लिए उसे हलाला के नाम पर हलाल ना होना पड़ जाए। ऐसा लगता है जैसे मुस्लिम समाज के ये कानून एक तरफा है, किसी ऐसे आदमी ने बनाए हैं जो जन्मों जन्मों से औरतों का दुश्मन रहा है। 3 तलाक हलाला बहुविवाह जिसमें मुस्लिम आदमियों को बिना पहली बीवी को तलाक दिए कितनी भी शादियां करने का हक है। ये तो वो इस्लामी प्रथाएं हैं जो शादियों से संबंधित हैं। इनके अलावा एक और प्रथा है जिसका नाम है खतना। इस्लाम में होने वाली इस प्रथा से लड़के और लड़कियों दोनों को गुजरना पड़ता है। खतना होता क्या है? मुस्लिम नवजात शिशु का खतना बचपन में ही किया जाता है, जिसमें आमतौर पर नवजात बच्चों के लिंग के ऊपर की चमड़ी काटकर अलग की जाती है। यह रिवाज भारत समेत अन्य कई अरब और यूरोपीय देशों में भी निभाया जाता है। मात्र एक रेजर ब्लेड से लड़कियों के जननांगों का खतना करने वाली महिलाओं का कहना है कि अगर लड़कियों का खतना नहीं किया जाता है तो वे आदमियों के पीछे भागने वाली वेश्याएं बन जाती हैं। इसलिए बचपन में ही उनका क्लाइटोरिस काट दिया जाता है। लड़कियों का खतना किशोरावस्था से पहले यानी 6-7 साल की छोटी सी उम्र में ही करा दिया जाता है। इसको करने के कई तरीके हैं, जैसे इस्लामी प्रथाएं, इस्लामी रिचुअल्स, एक क्लाइटोरिस के बाहरी हिस्से में कट लगाना या इसके बाहरी हिस्से की त्वचा को निकाल देना। 2 खतना से पहले एनिस्थीजिया भी नहीं दिया जाता। बच्चियां पूरे होशोहवास में रहती हैं और दर्द से चीखती हैं। 3 पारंपरिक तौर पर इसके लिए ब्लेड या चाकू का इस्तेमाल करते हैं।
खतना के बाद हल्दी, गर्म पानी और छोटे मोटे मरहम लगाकर दर्द कम करने की कोशिश की जाती है। 4. हिंदुस्तान में इस प्रथा का चलन बोहरा मुस्लिम समुदाय में है। भारत में बोहरा आबादी आमतौर पर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में रहती है। 5-10 लाख से अधिक आबादी वाला यह समाज काफी समृद्ध है और दाऊदी बोहरा समुदाय भारत के सबसे ज्यादा शिक्षित समुदायों में से एक है। 6. बोहरा समाज में क्लाइटोरिस को हराम की बोटी कहा जाता है। 7. बोहरा मुस्लिम मानते हैं कि इसकी मौजूदगी से लड़की की यौन इच्छा बढ़ती है। 8. उनका मानना है कि क्लाइटोरिस हटा देने से लड़की की यौन इच्छा कम हो जाती है और वो शादी से पहले यौन संबंध नहीं बनाती। इस प्रथा की शिकार एक लड़की ने बताया, मैं तकरीबन 7 साल की रही होंगी, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन उस घटना की एक धुंधली सी तस्वीर मेरे जहन में आज भी मौजूद है। माँ मुझे अपने साथ लेकर घर से निकली और हम एक छोटे से कमरे में पहुँचे जहाँ एक औरत पहले से बैठी थी। उसने मुझे लिटाया और मेरी पैंटी उतार दी। उस वक्त तो ज्यादा दर्द नहीं हुआ, बस ऐसा लगा जैसे कोई सुई चुभ हो रहा है। असली दर्द सब कुछ होने के बाद महसूस हुआ। बहुत दिनों तक पेशाब करने में बेहद तकलीफ होती थी, मैं दर्द से रो पड़ती थी। मैं जब बड़ी हुई तब मुझे पता चला कि मेरा खतना किया गया था। उसने बताया कि खतना से औरतों को शारीरिक तकलीफ तो उठानी ही पड़ती है, तरह तरह की मानसिक परेशानियां भी होती हैं। उनकी सेक्स लाइफ पर भी असर पड़ता है और वो उसे एंजॉय नहीं कर पाती। इस्लामी समाज में मौजूद ये प्रथाएं हर रूप में गलत है। मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय है, पक्षपात है और गैरकानूनी भी। हम उम्मीद करेंगे कि जिस तरह 3 तलाक पर कानून आया है, उसी तरह से हलाला और खतना जैसी प्रथाओं पर भी कानून लागू हो, जिसने बरसों से मुस्लिम महिलाओं को इन्हीं के समाज में इंसान होने का हक छीन रखा है, जहां उनके चरित्र और स्वाभिमान का कोई मोल नहीं, जहां वो एक वस्तु से ज्यादा कुछ भी नहीं है। प्रेरणा से भरी है अपनी 3 बेटियों को अफसर बनाने वाली इस गरीब विधवा महिला की कहानी। कई माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी उन पर खर्च कर देते हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने माता पिता के सपनों को साकार कर पाते हैं। हालांकि कई ऐसे खुशनसीब माता पिता भी होते हैं जिनके बच्चे गरीबी और अभाव में रहते हुए भी पढ़ लिख कर कुछ ऐसा कर गुजरते हैं कि उनके माता पिता को उन पर गर्व होता है। लेकिन इन सब से हटकर आज हम आपको अपनी 3 बेटियों को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाने वाली एक विधवा महिला की प्रेरणादायक कहानी बताने जा रहे हैं। राजस्थान के जयपुर जिले के सारंत का बास गांव में रहने वाली 55 वर्षीय मीरा देवी नाम की एक विधवा महिला ने अपने पति की अंतिम इच्छा को आखिरकार पूरा कर ही लिया। इस गरीब महिला के पति की अंतिम इच्छा थी कि उसकी 3 बेटियां पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बने। इसलिए अपने पति की मौत के बाद मीरा देवी ने दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपनी 3 बेटियों को पढ़ाया और इस काम में उसके इकलौते बेटे ने भी उसका पूरा साथ दिया। इन 3 बहनों का इकलौता भाई भी अपने पिता के इस सपने को साकार करने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़कर माँ के साथ खेतों में मेहनत मजदूरी करने लगा। माँ और बेटे ने दिन रात खेत में मेहनत मजदूरी की और 3 लड़कियों की पढ़ाई में गरीबी को आड़े नहीं आने दिया। मीरा देवी की 3 बेटियां कमला चौधरी, ममता चौधरी और गीता चौधरी ने भी अपने स्वर्गवासी पिता की अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई की। इन 3 बहनों ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी RAS की परीक्षा में सफलता हासिल करके एक नया इतिहास रच दिया है। गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में रहने वाली इन 3 बेटियों ने मन लगाकर न सिर्फ पढ़ाई की बल्कि उन्होंने एक योजना बनाकर 2 साल तक जमकर प्रशासनिक सेवा की तैयारी की। हालांकि उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा भी दी थी, लेकिन कुछ अंकों से पीछे रह गईं। इसके बाद 3 बहनों से राजस्थान प्रशासनिक सेवा
की परीक्षा दी और उसमें इन तीनों बहनों को कामयाबी मिली। आपको बता दें कि इन तीनों बहनों में सबसे बड़ी बहन कमला चौधरी को ओबीसी रैंक में 32वां स्थान मिला, जबकि गीता को 64वां और ममता को 128वां स्थान मिला। बताया जाता है कि जब मीरा देवी के पति का देहांत हुआ था, उसके बाद से ही गांव के लोग और रिश्तेदार मीरा देवी पर इन तीनों बेटियों की शादी करने के लिए दबाव डालने लगे थे, लेकिन मीरा देवी ने इन सब की बातों पर ध्यान ना देते हुए अपने पति के सपने को साकार करने पर ज्यादा जोर दिया। और इसके लिए सिर्फ मीरा देवी ने ही संघर्ष नहीं किया, बल्कि उनके बेटे राम सिंह ने भी खुद की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। राम सिंह की माने तो अपने पिता की बीमारी के चलते उसे बचपन से ही घर की जिम्मेदारियों का एहसास हो गया था, और पिता की मौत के बाद वो अपनी माँ के साथ खेतों में काम करने लगा, ताकि अपने पिता के सपने को साकार करने में अपनी माँ की मदद कर सके। गौरतलब है कि इन तीनों बेटियों को अफसर बनाने इस विधवा माँ के संघर्ष की कहानी उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणादायक है जिनके सपने मुसीबतों के आगे हार मानकर दम तोड़ देते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाता उस झोपड़ी तक बाड़ने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वही बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट रोने लगती थी, और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना तब से वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए, तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहाँ पहुँची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज अब तो ये झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती, यही कहा करती है कि अपने घर चल वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने ये सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी, इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाए जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बड़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं ये टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। ये सुनकर विधवा ने कहा,
महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपर्युक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी।